हुण असीं खड़े हाँ पिंड कासवा दे विच। इत्थों दे जिहड़े सारे किसान है काले झंडे लै के सड़क ते खड़े है। तां जिहड़ा रतिया ब्लॉक है जिवें हरियाणा दे विच अठ ब्लॉकां ते बैन कीता धान लाउण ते, उहदे चों रतिया ब्लॉक दे जिहड़े 52 पिंड है, 52 पिंडां दे विच ही सारे किसान मतलब काले झंडे लैके अज रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। जे फिर भी सरकार ने जिहड़ा तुगलकी फरमान जारी किया धान ना लाउण दा, धानां ते पाबंदी लाई है, तां असीं 25 तरीक नूं सारे किसान सब बच्चा बच्चा ट्रैक्टर लैके डीसी ऑफिस दा घराव करांगे। भाजपा की सरकार है, जब से इन लोगों ने सत्ता संभाली है तब से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये हर रोज़ सपना दिखाते हैं, पहले धान की पराली का सपना दिखाया भी, आप धान की पराली निकालोगे तो 1000 प्रति एकड़ रुपया हम देंगे धान पर बोनस के लिए, कोर्ट ने देश किए वो नहीं दिए। ये कोई भी चीज़ देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। अभी क्या 5 किलो का धान भी किसान से मांग रहे थे। बीमा कंपनियों को इन्होंने खुल में खुली किसानों की लूट करवाई है। किसान के विरोध में सरकार है, पर इस बार ये लड़ाई खट्टर के कफन में आखिरी कील साबित होगी। ये सरकार जा रही है, किसान यहाँ का लड़ेगा इस बार बहुत मजबूती के साथ। और पूरे रतिया इलाके में आप जाओगे तो देखोगे भारी रोष है। पानी बचाने की चिंता करता है खट्टर, पानी तो किसान को भी चाहिए, किसान भी चिंता करता है, मगर इसलिए किसान जिम्मेदार नहीं, सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार है। यदि पानी बचाना होता तो 1509 का रेट दे देती सरकार, सीधी बिजाई पर अनुदान दे देती सरकार, गन्ना मिल चला देती सरकार, कोई अन्य फसलों का रेट सरकार खरीदने की गारंटी कर लेती तो कभी भी आदमी धान ना लगाएगा। मगर सरकार पानी के नाम पे नाटक कर रही है, ये हमारा जमीन लेना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन तब किसान देगा जब ये घाटे का सौदा बनेगी। यदि ये मुनाफा होगा खेती में तो कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं देगा, क्यों, जमीन हमारी माँ है। इसलिए सरकार का ये नीतिगत फैसला है, जमीन किसान से लेनी है, उसी दिशा की तरफ ये कदम है। मगर इस कदम को हम पीछे मोड़ेंगे, हर हाल में धान लगाएंगे। इस बार हमें इस बार ये लठ उठा के भी लड़ना पड़ा सरकार के खिलाफ, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। यदि हमारी रोजी रोटी ना बची तो जिंदा भी नहीं रह जा सकता। सरकार के साथ सरकार टकराव चाहती है किसानों के साथ। कोरोना के चलते हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते, मगर सरकार की मंशा है, सरकार इस बार टकराव करने के लिए तैयार है। 25 को आप देखोगे हजारों ट्रैक्टर जो कभी लोग आंदोलन में आए नहीं थे, वो काला झंडा लगा के डीसी दफ्तर की तरफ चलेंगे। हमने उनको संदेश दे रहे हैं, अभी आप उस पर पूरा राशन लेके आए ट्रैक्टर पर, पानी का प्रबंध, खाने का प्रबंध लेके आए, हम वापस नहीं आएंगे। हम जब तक ये फैसला सरकार वापस नहीं लेगी तो हम अगली लड़ाई की घोषणा वहीं कर देंगे। यदि सरकार ने चाहा भी किसान टकराव करे तो हम टकराव से भी पीछे नहीं हटेंगे।